हेलो एवरीवन। तो आज बनाने जा रहे हैं कांदा पोहा। इसे बनाना बेहद आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक कटोरी पोहा ले लेते हैं, हल्का सा उसको भी यानी गीला करके रख लेंगे। उसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच यानी टेस्ट के हिसाब से। अब कढ़ाई में डालेंगे तेल। अब उसमें हमने पहले से थोड़ा सा मूँगफली के दाने यानी सेंग दाने को भून के रख लिया है। अब इसमें डालेंगे राई, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और प्याज। इन सभी को डाल के हम थोड़ी देर भूनेंगे और थोड़ा सा ही सॉटे करेंगे। ज़्यादा हमें प्याज को गलाना नहीं है, क्योंकि कांदा पोहे में प्याज ज़्यादा गलती नहीं है, उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और उसे भी चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब उसमें जो हमने सेंग दाने भून के रखे वो डाल देंगे। अब थोड़ा सा चलाएंगे। अब थोड़ा सा कड़ी पत्ती यानी हरा धनिया डालेंगे, उसे भी चलाएंगे। अब जो हमने पोहे को गीला करके रखा था अब उसे भी डाल देंगे। अब इसको चलाते हुए थोड़ी देर, एक से दो मिनट बस खाली हम इसको पकाएंगे, हो गया। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और रेसिपीज़ के लिए थैंक यू वॉचिंग। अब रेडी हो गई है प्लेट हमारी, आइए खाइए। फरसान भी डाल सकते हैं आप, जो चाहे वो डाल सकते हैं इसके ऊपर।